अगर आपकी भी पिंडलियां पत्थर की तरह ऐसी सख्त हो गई हैं, कहीं भी दबाते हैं तो एकदम ऐसे लगता है ऐसे पत्थर हो, जैसे फीमेल में अक्सर ज्यादातर पाया जाता है, तो ये CFS एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी गंभीर बीमारी है। लोग इसके लिए मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर लेते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। उन फीमेल्स को ज्यादा होती है जिनको थायराइड की वजह से ओवरवेटेड होती है। मोस्टली 30 से 50 साल की फीमेल को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जब इस पे आप क्रोनिक चीजों पे फोकस नहीं करते हो तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। इन केसेस में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है उनको डिप्रेशन की दिक्कत ज्यादा हो जाती है। मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा बिफोर एंड आफ्टर विद इन 2 आवर्स के अंदर उसको रिजल्ट आएगा। अगर आपकी भी पिंडलियां पत्थर की तरह ऐसी सख्त हो गई हैं, कहीं भी दबाते हैं तो एकदम ऐसे लगता है ऐसे पत्थर हो, जैसे फीमेल में अक्सर ज्यादातर पाया जाता है, तो ये CFS एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी गंभीर बीमारी है, जिसके बारे में आज हमारे बीच में डॉक्टर नेहा महाजन हैं जो हमारे बीच में इसके बारे में बताएंगे। सो मैम, ये पत्थर जैसी जो ये हो जाती हैं पिंडलियां, ये तो अक्सर हो जाती हैं लोगों की, लेकिन ये इतनी गंभीर बीमारी है जिसके बारे में अभी आपने बताया कि पिछले 2-3 केसेस को भी ऐसे हुआ और फिर प्रॉब्लम आई। एक्चुअली CFS इज ए क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये कब होती है प्रॉब्लम? जब कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि लगातार कॉन्टिन्यूसली वो वर्क कर रहा है, मतलब 6 वीक्स हो गया या 6 महीने हो गया, साल हो गया, वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मोस्टली ये पिंडलियों में ऐंठन जो होता है, स्टिफनेस होती है, मोस्टली इसकी जो कंप्लेन लेके आती है वो फीमेल्स आती है। फीमेल्स को ये दिक्कत ज्यादा हो रही है जो 30 से 50 साल की एज में है। अभी मेरे पास लास्ट वीक में कम से कम 5-10 केसेस ऐसे आए थे जिनको फीमेल्स को यहाँ से लेके पैटाइला फोसा से लेके यहाँ तक का जो था स्टिफनेस था। अब इन्हीं स्टिफनेस की वजह से क्या होता है कि इसके जो रीजंस होते हैं वो अननोन होते हैं। अब ये जो फटीगनेस है तो सबसे ज्यादा ब्लड भी यहाँ पे सर्कुलेट होता है और यहाँ पे कलेक्ट होता है। अगर यहाँ पे ये रीजन जो इसके पीछे रीजन जो होता है वो क्या होता है कि नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब कि जो नर्व्स होती है सूजन आ जाती है अंदर ही अंदर, वो बाहर नहीं दिखती है क्योंकि वो अंदर ही होती है। वो जब इस पे आप क्रोनिक चीजों पे फोकस नहीं करते हो तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो सिम्टम होते हैं वो अननोन हो जाते हैं। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें क्या होता है सर कि अगर लगातार कोई वर्क कर रहा है, कहते हैं कि हम लगातार वर्क कर लेते हैं और हम रेस्ट नहीं करते, एक ही बार रेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए खड़ा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। लोग इसके लिए मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर लेते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। मोस्टली ये उन फीमेल्स को ज्यादा होती है जिनको थायराइड की वजह से ओवरवेटेड होती है। मोस्टली 30 से 50 साल की फीमेल को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इलाज आप दो चीजों से करते हैं? दो नहीं सर, 3 चीजों से करते हैं। एक ही मेरा नाड़ी स्वेदन है जो इमीडिएटली रिजल्ट आता है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनको क्या होता है कि लास्ट वीक में जो केसेस आए वो 4 से 5 साल से प्रॉब्लम थी उनको, तो सर ये इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स के अंदर रिजल्ट आएगा। यस सर, नेचुरल है, इट्स नेचुरल। नहीं सर, मैं मेडिसिन नहीं देती पहले, क्योंकि पेशेंट जब आता है वो मेडिसिन लेके आता है बट उसको रिजल्ट ही आ रहा, तो इसको मैं इसी से ठीक करती हूँ। कैसे होगा मैम, इसको थोड़ा सा सर? सबसे पहले तो क्या होता है कि ये स्टिफनेस है, मैं स्टिफनेस को रिमूव करने पहले तो इसको मेडिकेटेड ऑयल से इसकी स्टिफनेस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, जब इसकी इन्फ्लेमेशन दूर होगी फिर देन इस पे ऊपर हम ये कपिंग, इसको आयुर्वेद में पहले अलाबू बोलते थे क्योंकि पेशेंट डर जाता है, तो इसके लिए अभी कपिंग चीजें ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। सर इसके लिए क्या आ रहा है कि देखिए इसकी स्टिफनेस है, ये रेडनेस आएगा यहाँ पे, जब रेडनेस होएगी 2 या 3 मिनट के बाद ये इससे क्या होता है जो ब्लड सप्लाई रुकी होती है रिजल्ट आने लगता है। जिन लोगों की दिक्कत ज्यादा होती है वो यहाँ तक भी लेके नहीं आ पाते हैं, पहले उनकी एक्सरसाइज करवाई जाती है। सर ये देखिए इनकी स्टिफनेस ज्यादा ये निकल गया है, पहले उनका एक्सरसाइज करवाया जाता है पॉइंट के साथ। देखिए सर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, ये देखिए सर रेडनेस आ गई है, फिर इसको प्रिक किया जाता है, प्रिक करके थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है जिससे थोड़ा पेशेंट को रिलीफ, इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। ये देखिए आप ज्यादा नहीं, इमीडिएटली ब्लड आना लगा, इससे क्या होगा कि पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो है इसको आयुर्वेद में विधकर्मा बोला जाता है। आजकल लोग इसको अक्यूपंचर करते हैं लेकिन ये विधकर्मा का एक है, उसके बाद ये किया जाता है जिससे क्या होता है पेशेंट को इमीडिएटली रिजल्ट आता है। सर इधर विधकर्मा किया जाता है, ये देखिए इससे क्या होगा पेशेंट की जो, क्योंकि ये बात की वजह से होता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये वात दोष प्रधान होता है, 80 प्रकार के रोग होते हैं वात, उसमें क्या होता है कि ये देखिए सर ऐसे पिंस लगाई जाती है लोगों को, उससे क्या होता है इमीडिएटली जो वात की जो हवा होती है वो निकलती है, ये लगाया जाता है, इसको आयुर्वेद में विधकर्मा बोला जाता था। देन उसके बाद सर पेशेंट को बस ये नाड़ी स्वेदन दिया जाता है, ये देखिए सर ये आप इसको देख सकते हैं, स्टीमर होती है, ये गर्म होती है, पेशेंट से थोड़ा सा दूर से दिया जाता है क्योंकि जो इसकी इन्फ्लेमेशन होती है इससे इमीडिएटली रिजल्ट आता है।
देन उसके बाद सर मैं पेशेंट को, बहुत कम होता है कि मैं पेशेंट को मेडिसिन देती हूँ, क्योंकि जो भी पेशेंट यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में आते हैं वो मोस्टली 4-5 सालों से ऑलरेडी मेडिसिन लेके आ रहे होते हैं। पर उनको फर्क पड़ जाता है मैम, सर मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा बिफोर एंड आफ्टर विद इन 2 आवर्स के अंदर उसको रिजल्ट आएगा, विद इन 2 आवर्स के अंदर, और ये रिजल्ट आता है। और सर इसके सिम्टम जो होते हैं बहुत भयानक होते हैं। आपने देखा जिससे कई लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हमारे जो मसल्स में नील पड़ गए, उनकी मसल्स में पेन हो रही है या कुछ हो रहा है, उनको रेडनेस आती है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं होता, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। इन केसेस में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है उनको डिप्रेशन की दिक्कत ज्यादा हो जाती है, लाइफस्टाइल गड़बड़ होती है, वो ज्यादा अपना किचन का काम कर रही है, बैठती नहीं है, रेस्ट नहीं करती है, तो ये अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रीन जो नेचर आयुर्वेदा के इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं आप, डॉक्टर नेहा महाजन से मिल सकते हैं, आपनी कोई भी रिपोर्ट है वो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं आप डायरेक्टली ग्रीन जो नेचर आयुर्वेदा में गुड़गांव हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक क्लियर करना चाहूंगी, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है वो सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाए। इसके लिए सबसे अच्छा जो टेस्ट होता है सर वो एनसीवी होता है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, और उसको हम लोग नर्व कंडक्शन स्टडी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें नर्व्स की कमजोरी का पता चलता है। और जो महिलाएं हैं, जब मेल हैं, वो विटामिन बी 12 और टोटल कैल्शियम का टेस्ट करवा के आए मेरे पास।